आगरा के कमला नगर में शनिवार को दिन दहाड़े 8.5 करोड़ रुपए की लूट हुई। यहां 4 हथियारबंद बदमाशों ने मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड के ऑफिस में स्टाफ को बंधक बनाकर इस लूट को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश 17 किलो सोना और 5 लाख रुपए कैश लूट कर ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। सीसीटीवी से घटना की जांच की जा रही है। आईजी नवीन अरोड़ा भी मौके पर पहुंच गए। लूट करने वाले बदमाशों की संख्या 6 बताई जा रही है। इनमें से 4 बदमाश कैप लगाए थे, जबकि 2 बिना कैप के थे। सभी ने मास्क भी लगाया हुआ था। लूट को अंजाम देने के लिए पहले 4 बदमाश ऑफिस में गए, जबकि 2 बाहर खड़े रहे। बदमाश कंपनी में 2:05 पर घुसे। इसके बाद वो 2:30 पर बाहर निकल गए। वारदात के समय कंपनी में कोई भी ग्राहक नहीं था, अंदर 4 कर्मचारी थे। भागते समय बदमाश चैनल को बाहर से बंद कर गए। 2:48 पर पुलिस को सूचना दी गई। 2:53 पर पुलिस ने आकर चैनल खोला। वारदात के बाद सभी बदमाश पैदल ही अलग अलग दिशाओं में भागे। एक बदमाश खाली हाथ था, जबकि 3 के पास बैग थे। यहां से गोल्ड और कैश ले गए हैं। एग्जैक्ट अमाउंट अभी बहुत क्लियर नहीं हुआ है, बट समथिंग अराउंड 15 किलो के आसपास का गोल्ड है। वो बहुत एग्जैक्ट अमाउंट क्लियर नहीं हुआ है और हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई हैं। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। और जो भी बदमाशों में बैंक की भी जिम्मेदारी है, RBI की गाइडलाइंस है कि जो भी बैंक होते हैं उनको भी प्राइवेट सिक्योरिटी रखनी चाहिए। बदमाशों की उम्र 22 से 26 साल के बीच बताई गई है। वो स्थानीय भाषा बोल रहे थे। ग्राहक बनकर 2-2 के जोड़े में कंपनी में घुसे थे। एक संदिग्ध पहले से मौजूद था। पहले उन्होंने मैनेजर से गोल्ड लोन लेने की बात की और अचानक सभी ने हथियार निकालकर गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद मैनेजर समेत 4 कर्मचारियों को कैबिन में बंद किया। बाद में मैनेजर को ले जाकर तमंचे के बल पर स्ट्रॉन्ग रूम खुलवाया। पुलिस आसपास के CCTV खंगाल रही है। पूरे शहर की सीमाएं सील कर दी गई हैं। पुलिस का कहना है कि संस्थान में सिक्योरिटी का कोई इंतजाम नहीं था। थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि कई बार आगाह किया गया था, अलार्म भी कई बार बज चुका है, इसीलिए लोगों को ज्यादा शक नहीं हुआ।